जब एक माँ अपने कफन सिरहाने रख के बच्चे पैदा करने की ताकत रखती है तो अपनी बेटी के न्याय के लिए भी कफन क्या जान गर्दन कटाने को भी तैयार है। हम ये चेतावनी देने चाह रहे हैं, अरे घर में तो हाँ था दुर्गा हाँ, और जितने बाहर निकल लिया ना लक्ष्मी बन कर निकलेंगे और वापस नहीं मुड़ेंगे जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। यही कोर्ट के दरवाजे खटखटाने हो चाहे पुलिस के गले आमना सामना करना हो, उस DSP भाई को मैं ये चेतावनी देना चाह रही हूँ, बताओ कितना मोटा माल मिला है तुम्हें। रमानी जी, उस महिला अधिकारी को वो ये सोच सके कि अगर इस बेटी अगर उसकी बेटी हो, उसकी बहन हो, रिश्तेदारी हो, तो भी वो यह काम कर देगी। बड़े शर्म की बात है कि DSP साहब यह बात करें कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई, शायद उनका घर में बहन बेटी ना होगी, बहू बेटी ना होगी, उन्होंने जब इतनी बड़ी बात कही है। एक धर्मेंद्र हुड्डा की बेटी का मुद्दा नहीं है, ये हम सब की बेटी है और जिस जिसके साथ भी अतरंदगी हो रही है वो हम सब की बेटिया है। ये जब हमारे दिल के अंदर ये आग लग जाएगी ना, उस बेटी को अपनी बेटी समझ के बात करेंगे तो इस देश के अंदर बलात्कार होने बंद हो जाएंगे। हमारी छोटी छोटी लड़कियां के साथ हो रहा है, बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाले यहाँ। और भाई एक बोलो, मैं तो जो कहूँगी हरियाणा सरकार का जमाना अस्ता लिया, इसमें कमाई के लिए दो चीज आखिरी टोली तो हमारा समाज का खत्म करना था, नशा और पैसा। मैं ये कहना चाहूंगी सिर्फ हमारी एक बेटी की बात नहीं है, पूरे भारत में लगभग 2021 में 31,767 लड़कियों के रेप हुए हैं और हर पूरे भारत में हर घंटे कम से कम 86 लड़कियों के रेप केस दर्ज होते हैं। यहाँ पे हम एक बेटी के लिए लड़ेंगे, हम अपने देश की हर बेटी के लिए लड़ रहे हैं। और रही बात आज हमारी जो ये बहन है, अगर कल को कोई और दूसरी बहन आ रही है तो हम हर किसी के लिए लड़ रहे हैं। और रही बात हम यहाँ पे अगर उठेंगे तो हम इंसाफ की ही उम्मीद लेके उठ रहे हैं। यहाँ पे हम जितनी भी लड़कियाँ आए हम सिर्फ यही उम्मीद के लिए आए कि आज हमारी इस बहन को इंसाफ मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि हम सभी को इंसाफ मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि बस हम सभी को इंसाफ मिले। कल को हमारे मन में भी ये खौफ है, हम भी आते हैं घर से निकलते हैं, हमारे घर वालों को भी ये खौफ है कि हमारी बेटी जा रही है, कल को रास्ते में कोई कुछ कह ना दे या कल को उसके साथ कुछ हरकत ना हो जाए। सभी के मन में, हमारे माँ बाप के मन में भी ये डर रहता है। बस यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे बुजुर्ग आए हैं वो इतना अच्छा फैसला लेकर उठे कि हमें इंसाफ मिले और हम बेखौफ होकर अपने घर से बाहर निकल सके। यह हमारी पंचायत के जो अध्यक्ष महोदय हैं जो फैसला लेवेंगे उस फैसले में जो भी आप निर्णय लोगे उस निर्णय में हम अपनी नाड़ तक कटवाने तैयार हैं। आप आगे हमारे आदेश करियो, आगे हम लड़ेंगे, बाकी लड़ाई फैसला आप करोगे। और जिस दिन माँ बाप अपने बेटे को कि भाई बेटियों की इज्जत नहीं जाती ना बेटी के घरवालों की जाती है, उतनी ही इज्जत उन गुंडे उन मवालियों के घरवालों की भी जाती है जिन्होंने दरिंदगी उन बेटियों के साथ करते हैं। लेकिन 14 साल की बेटी और उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो अपनी मर्जी से गई थी, कौन सी ऐसी लड़कियां मैं कहूंगी किसी देश के अंदर युवा अपनी मर्जी से जाओगे, मतलब उसके साथ 10-10 लोग मिलकर, 4-4 लोग मिलकर उसके साथ ऐसा दुष्कर्म करेंगे। बुजुर्ग माताओं बहनों, युवा साथी, और साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा प्रेस का जो इतनी बड़ी संख्या में आए हुए है। ये जो यहाँ व्यक्तिगत जो विचार चल रही विचारों को चलाया जाएगा, जो यहाँ नहीं पहुंचे ये बात उन तक भी जाएगी। और साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा भाई धर्मेंद्र हुड्डा का, ये हादसा 10 तारीख का है, 10 तारीख के बाद इस हादसे के बारे में कोई नहीं बोला। भाई धर्मेंद्र हुड्डा फेसबुक पर लाइव आया है, इसने यह मुद्दा ऊपर उठाया है, ऊपर उठाने के बाद जो मुद्दा सब भी पहुंचा भाई, तो सबसे पहले तो धन्यवाद भाई का। और साथ में एक बात कहना चाहूंगा भाई, जो अपना समाज एक समझ ले है कि जिस बेटी के साथ गलत हो गया उनकी तो इज्जत रही है नहीं, क्योंकि माँ बाप लोग मेरा गलत हो गया नहीं हो गया भाई, इज्जत तो उनकी भी उतरी होगी जिन्हें गलत काम किया है, जो घर बैठे उनके माँ बाप बैठे उनकी भी इज्जत उतरी होगी। ये समाज में मुंह मिला लेंगे, आग आग मिला कर कह देंगे हमारे बालक ने किराया काम और बहुत बढ़िया काम कर दिया। इसके साथ में मैं कहना चाहूंगा एक शर्मिंदगी बड़ी बात किया भी आई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, भाई का गुड़िया दबा दी है कि जो आईओ बनी थी केस में उस आईओ ने उस गुड़िया का थप्पड़ मारे हैं मना करने के लिए होटल की कुछ घंटा में फैसला लेकर बता दिया कि ये सामूहिक दुष्कर्म तो है नहीं, ये रजामंदी है भाई। मैं तो साथ ही साथ एक बात कहना चाहूंगा, अगर यह रजामंदी है तो 5-5 साल की बड़कियां छोटी छोरियां खाली जाए ये भी रजामंदी है, ये 7 साल 10 साल 12 साल ये किसी ने भी ना छोड़ रहे लोग, ये सारी रजामंदी है काम है, कोई रजामंदी नहीं है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये बढ़िया बढ़िया फैसले इन्हें लिए उड़ रहे हैं, इन्हें पहले भी बहुत बढ़िया फैसले लिए, हम आज उम्मीद करेंगे कि ये कोई बढ़िया सा फैसला ले, उस फैसले में हम साथ आएंगे। इन बातों के साथ साथ मैंने ये भी बात याद दिलाना चाहूंगा कि रामायण से लेकर महाभारत सर्वमूर्त के ऊपर हुई उड़ है, धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, मैं विनेश लाखड़ा में कहना लिखते हूँ इनेलो पार्टी से, मैं युवा का जिला प्रधान। इसके साथ साथ ही मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा, अगर प्रेस वाले भाई चला दे तो मैं नंबर देना चाहूंगा मेरा, क्या संबंधित एरिया में जो भी भाई है ना अपने नंबर से व्हाट्सअप पर डालो चाहे कहीं पर डालो, एक केस हो रहा है बार बार आकर सब ने देखा होगा, सब ने पढ़ा होगा,
वो सारी बहनी चाहिए तो दुख पागा को फांसी खा रही है, को जहर खा रही है, बाद में अखबार में पड़ा तो बड़ा दुखा हुआ या चीज देखते अब परेशान कर रहे थे, 5 दिन तक परेशान कर रहे थे, 15 दिन तक पीछे लगा हुआ था, घरवाला था बोल दिया, उनके घर शिकायत डाली, उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ, दुख पात की एक बाढ़ नहीं बेटी ने फांसी खा ली, जहर खा लिया, ट्रेन क्या या तो हत्या करने सूचना है, ये तो ये युवा साथी देखो भाई उड़ा थोड़ा ये कर रहा था, पहले पंचायत किया जाए खंड में बांध कर भाई कितने फैसले कर रहे हो, अरे मैं कर रहा था करते हेल्प बनाएगा, लाइन नंबर दे दे अपना नंबर आ जाए कि मदद करने किसी खातर, मैं कहना चाहूंगा मैं प्रेस के माध्यम से नंबर नोट करवा दूँ, मेरा नजदीक कितने थे हम पहुंच सका, हाँ ये जो स्त्रिया की बाढ़ है जो ये है वहाँ परेशान कर रखी है, हमारी मदद की कोई नहीं आया, जिनकी बात में अखबार में यहाँ पर आगे आत्महत्या कर ली इस बच्चे पर, तो भाई सारे भाइयों ने जी इस गाड़ की मुहिम क्या रखनी चाहिए, क्योंकि इस बच्चे तक को ना मर पाओगे मदद नहीं हुई, तो मेरा नंबर है भाई 90 50 75 72 73 और भी साथियों ने कहूंगा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया है, छोटे बच्चों के साथ गैंगरेप होना और साथ साथ में उनकी पहचान को जो है सार्वजनिक करना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, जिसमें कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है। साथियों ये जो दुखद मामला है इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो होटल का मालिक है उसको इस लायबिलिटी से बचाने की कोशिश की जा रही है, होटल के मालिक का नाम नहीं आ रहा, ये कैसे संभव है कि होटल के अंदर 4 लड़के 5 लड़के घुस जाते हैं और एक लड़की माइनर जो है होटल का मालिक फुल ड्रेस में, ना वो उसका रिकॉर्ड कीप करता है ना ही उन लड़कों की सारी आइडेंटिफिकेशन लेता है, उन सभी पुख्ता सबूतों को लिए बिना उनको डायरी में एंट्री किए बिना पहली बात तो उसको एंट्री नहीं देनी चाहिए थी, और अगर किसी प्रकार से एंट्री हो गई थी तो आजकल सभी होटल्स में सभी छोटे बड़े जितने भी रेस्टोरेंट्स तक हैं उनके अंदर कैमराज लगे हुए हैं, वो फुटेज कहाँ है उन लड़कों की उस बच्ची के साथ आते हुए और जाते हुए की फुटेज कहाँ है, क्या आप लोगों को मिली वो फुटेज, क्या पुलिस ने उस फुटेज को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया, क्या इसके ऊपर अभी तक फास्ट ट्रैक वे के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, मुझे लग रहा है इस समय पे मामला बहुत सुस्त चल रहा है और गवर्नमेंट इस समय पे इन चीज़ों को बहुत हल्के में ले रही है, लेकिन आज ज़रूरत है आप जैसे पंचायती लोगों की, क्योंकि सिस्टम तो अपने तरीके से काम करेगा, उसका एक कोड है, उसका एक कंडक्ट है काम करने का, सेक्शन 376 ए, सेक्शन 324 आईपीसी के ये सभी सेक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और साथ साथ में कहना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है नाकाम रह रही है इन चीज़ों के अंदर, और वही स्टेट गवर्नमेंट आपको कह रही है कि इंडियन पिनल कोड को बदलकर भारतीय न्याय संहिता जो है इस समय पे नया बिल जो है प्रेजेंट कर दिया गया है लोकसभा के अंदर, तो अगर पहले के कानूनों से इस प्रकार से न्याय नहीं मिल रहा तो नए कानूनों से किस प्रकार का न्याय मिलेगा, इस चीज के लिए सरकार आके स्पष्टीकरण दे, और मैं चाहूंगा कि माननीय आईजी जो इस रेंज के हैं वो इस चीज के ऊपर पूर्ण संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन ले, और बाकी आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जो पंचायती हमारे भाई बहन हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं आप सब मिलकर जो फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं।